वेलकम एवरीवन। आज मैं आपको रामवृक्ष वेणीपुरी जी के द्वारा लिखा हुआ पाठ जो है, इस पाठ के आपको वन लाइनर्स क्वेश्चंस बनाने बता रही हूँ, जो आपको यहाँ पर जो आपकी NCERT की बुक है इसी में आपको मिल जाएंगे। तो पहला प्रश्न देखो यहाँ बन रहा है, मैंने निशान लगाया है कि रामवृक्ष वेणीपुरी का जन्म कहाँ और कब हुआ था। तो जन्म हुआ था 1899 में मुजफ्फरपुर जिले के वेणीपुर गाँव में। दोनों प्रश्न यहाँ पर कवर हो रहे हैं। फिर प्रश्न आता है कि उनका देहावसान कब हुआ, यानी उनकी मृत्यु कब हुई। तो मृत्यु जो हुई थी वो 1968 में हुई थी। यहाँ से भी एक प्रश्न आ जाता है कि बाल गोविंद भक्त कैसे कद के इंसान थे, आदमी थे। तो वो मझोले कद के आदमी थे। इसमें भी कोई चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। इसी में दूसरा प्रश्न बन रहा है कि उनका रंग कैसा था। तो रंग जो था वो गोरा चिट्टा था। एक प्रश्न यहाँ से भी आ जाता है कि उनकी उम्र कितने वर्ष के ऊपर की रही होगी। तो उनकी उम्र जो थी वो 60 वर्ष से ऊपर की होगी। फिर प्रश्न आ जाता है कि कमर में वह क्या धारण करते थे या क्या पहनते थे। तो लंगोटी पहना करते थे। उनकी टोपी कैसी होती थी, ये प्रश्न आ जाता है। तो कनफटी होती थी। माथे पर क्या लगाया जाता था उनके द्वारा, तो रामानंदी चंदन का तिलक लगाया जाता था। एक प्रश्न यहाँ से भी बन रहा है। फिर बाद में जो प्रश्न बन रहा है वह है किस प्रकार की माला वह गले में पहना करते थे। तो बेडोल माला पहना करते थे। उसके बाद प्रश्न आ जाता है कि क्या वह साधु थे। तो साधु के उत्तर में नहीं आएगा कि वह साधु नहीं थे। उसके बाद प्रश्न आ जाता है कि उनका व्यवसाय क्या था। तो उनका व्यवसाय जो था वो खेतीबाड़ी करना था। फिर प्रश्न आ जाता है कि बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे। तो कबीर को मानते थे साहेब। फिर प्रश्न इसी में एक और प्रश्न बन रहा है कि बाल गोविंद भगत किसके गीत गाया करते थे। तो वो कबीर के गीत गाया करते थे। और किसके आदेशों पर चला करते थे, कबीर के आदेशों पर चला करते थे। इस एक लाइन में तीन क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके बाद उनके खेत में जो उत्पन्न होता था वो कहाँ पर दे कर रख के आ जाते थे, तो साहब के दरबार में लेकर के वो चले जाते थे और वहीं पर दान कर देते थे। फिर प्रश्न देखो यहाँ बन रहा है कि वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद के रूप में जो उन्हें मिलता, यानी कि जो थोड़ा बहुत वापस मिलता उसे वह खा लेते। तो यहाँ पर भी उनका परिवार किससे चलता था, प्रश्न बन रहा है, तो प्रसाद से चलता था। यहाँ पर एक प्रश्न और बन रहा है, यहाँ देखिए आप कि रिमझिम कब चालू हो जाती है, कि कौन से मंथ में चालू हो जाती है, किस महीने में चालू हो जाती है। तो इसका उत्तर आएगा आषाढ़ के महीने में। खेतों में क्या हो रहा है, तो खेतों में हल चल रहे हैं और रोपनी हो रही है। रोपनी का तात्पर्य क्या है, फसल का रोपण करना, बीजों को उगाना। प्रश्न आता है देखो यहाँ कि औरतें मेंढ पर क्या लेकर के बैठी हुई हैं, यानी चार दीवारी पर खेत की क्या लेकर के बैठी हुई हैं, कलेवा। कलेवा किसे कहते हैं, आमतौर पर रोटियों में चटनी लगा करके जो बनाया जाता है उसे कलेवा कहा जाता है, लेकिन ब्रेकफास्ट हम इसे कह सकते हैं इंग्लिश में। उसके बाद देखिए यहाँ पर, उसके बाद यहाँ से प्रश्न अगर नहीं आ रहा है, जब वो खेत में रोपनी कर रहे थे तो यहाँ देखो एक प्रश्न आ रहा है, तो उनका पूरा शरीर कैसा था। तो पूरा शरीर कैसा था, कीचड़ में लिथड़ा हुआ था।
उसके बाद यहाँ अंधेरी अधरतिया कब थी, पाठ के अनुसार तो वह थी भादो में, ये प्रश्न भी बन रहा है। बाल गोविंद भगत, देखो यहाँ एक प्रश्न बन रहा है, क्या बजाया करते थे, तो यहाँ पर खंजड़ी वह बजाया करते थे। कौन सा गाना गा रहे थे, गोदी में पियावा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना, ये वाला गाना गा रहे थे। उसके बाद जो है सारा संसार जब सोया हुआ था, तो यहाँ देखो एक प्रश्न बन रहा है, जब सारा संसार सोया हुआ था तो कौन जाग रहा था, तो बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा था। यहाँ एक प्रश्न बन रहा है, बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब शुरू होती थी, तो कार्तिक के महीने में बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो जाती थी और कब तक चलती थी, फाल्गुन तक। कार्तिक कब आता है, दीपावली के आसपास आता है और फाल्गुन होली के आसपास आता है, तो तब तक ये प्रभातियाँ गाया करते थे। प्रभातियाँ किसे कहा जाता है, जो सुबह प्रातः उठाने के लिए लोगों को जगाने के लिए जो गीत गाया जाता है उसे प्रभाती कहते हैं। जब वो नदी का स्नान करने जाते थे, यहाँ देखो एक प्रश्न बन रहा है, तो वह दूरी गांव से कितनी दूर थी, 2 मील दूर। उसके बाद यहाँ गर्मियों में वह किस प्रकार का गीत गाया करते थे, यहाँ एक प्रश्न बन रहा है, देखो तो वह संझा गाया करते थे। जिस दिन उनका बेटा मरा, यहाँ देखो एक प्रश्न बन रहा है, तो बाल गोविंद भगत की कौन सी चीज चरम उत्कर्ष पर थी, तो उनकी संगीत साधना जो थी चरम उत्कर्ष पर थी। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ बाल गोविंद भगत का बेटा जब मरा तो उसे कहाँ पर लिटाया गया था, यहाँ एक प्रश्न बन रहा है, आंगन में, और उस पर क्या ढका हुआ था, तो सफेद कपड़ा। उन्होंने अपने बेटे की जो लाश थी उस पर क्या बिखराया था, तो फूल और तुलसी दल, यहाँ एक प्रश्न बन रहा है। जब पतोहू रो रही थी, यहाँ एक प्रश्न बन रहा है, तो बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे, तो यहाँ पर उत्तर आएगा, गाना गा रहे थे। जब उनके पुत्र की मौत हुई, यहाँ पर एक प्रश्न है, जब उनके पुत्र की मौत हुई तो उन्होंने क्या करने को कहा, उन्होंने रोने के बदले उत्सव मनाने को कहा। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि वो मानते थे कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। उनके बेटे के क्रियाक्रम में आग किससे दिलाई गई, यहाँ पर एक प्रश्न बन रहा है, तो पतोहू से। श्राद्ध की अवधि पूरा होते ही, जैसे ही पूरा हुई तो किसके साथ भेज दिया गया पतोहू को, भाई के साथ, यहाँ पर एक प्रश्न बन रहा है। क्या आदेश दिया गया उन्हें, उन्हें कहा गया कि इसकी दूसरी शादी कर देना, ये भी एक प्रश्न बन रहा है। बाल गोविंद भगत की मृत्यु जो है कब हुई, कब हुई, यानी जब वो गंगा स्नान करने गए हुए थे तो वहाँ उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद देखिए
लोगों को कैसे पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई है? लोगों को उनका गीत सुनाई नहीं दिया, तब उन्हें पता चला कि उन्हें उनकी मृत्यु हो गई है। यहाँ पर ये देखो क्वेश्चन बन रहा है, बाल गोविंद भगत नहीं रहे तब उन्हें पता चला। तो ये जो है मैंने कोशिश की है आपको आपकी बुक से यहाँ बताने की। और उसके बाद देखिए ये वाले प्रश्न मैं आपको नेक्स्ट से अपने जो चैप्टर होगा वीडियो चैप्टर उसमें मैं आपको करवाऊंगी। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।